और सौभाग्य से आज गणेश चतुर्थी, 11 दिन का गणेश महोत्सव सारे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। ओह हे प्रभु, आपको 18 पुराण, 4 वेद एवं 6 शास्त्रों ने नीति नीति कहकर बखान करा है प्रभु। भला ये कलयुग का जीव आपकी क्या मना कर सकता है प्रभु? आपके जन्मों में केवल श्रद्धा और भाव से सुशोभित पुष्प अर्पित करते हैं भगवान। आइए मंगला नाम चक्कर तारू बंदे बाणी बिना शरण में आपकी हे देवा काटो कठिन कले भाव से भगवान गजानन के चरणों में सभी वंदना करते हैं प्रभु। आपकी कृपा दृष्टि सदैव सदैव इस ग्राम पर बनी रहे, हर ग्रामवासी का हर काज निर्विघ्न सफल हो प्रभु, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आइए आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया जी, श्री गिरधारी भैया जी, आरसे एमपी पुलिस भोपाल, बड़े भैया आपके कर कमलों से 201 रुपए की राशि प्राप्त होती है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। Oh
बिगड़े प्रथम नमन गौरी नंदन का तिलक करूं रोली चंदन का दे प्रथम नमन गौरी नंदन प्रथम नमन गौरी नंदन प्रथम नमन गौरी नंदन प्रथम नमन गौरी नंदन का तिलक करूं रोली नंदन का प्रथम नमन गौरी नंदन का तिलक करूं रोली नंदन का प्रथम नमन गौरी नंदन का तिलक करूं रोली नंदन का और दाता मानव आपकी क्या वंदना कर सकता है प्रभु, केवल श्रद्धा भाव से आपकी चरणों में करके कृपा कर देना प्रभु, करके कृपा कर देना प्रभु, करके कृपा कर देना प्रभु, परम सम्माननीय जगदीश जी मास्टर साहब जी, आपके करकमलों से अनगिनत नोटों की बरसात प्राप्त होती है, आशीर्वाद की कामना करता हूं बड़े भैया। प्रथम नमन गौरी Yeah!
आइए भैया मानव जीवन के लिए भजन। भैया ये मेन माइक में साउंड बढ़ा दीजिए, निवेदन है बड़े भैया। 84 लाख जोड़ियों के बाद मानव जीवन की प्राप्ति होती है। कहा गया है एजी कलयुग के बलनाम आधारा, ओ सुमर सुमर नर उतर पाया। इस कली काल कलयुग में हेलो इस कलयुग में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए कहना है क्या? ओ दुनिया के बाजार में एजी समय बजाए ढोल, ओ भोर भई अब जाग मुसाफिर मन की आंखें खोल। भोर कलयुग चल रहा उल्टा सब व्यवहार, अब तो झूठ जीतता सच की होती है। इसलिए कहना है कि हर श्वास में भगवान का नाम बसाई है, क्योंकि भैया रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा नंबर 38 के नीचे तीसरे नंबर की चौपाई में लिखा गया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा जगत एक स्वप्न के समान है, भगवान भोलेनाथ माँ गोरा को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए कहना है ओ श्वास श्वास मेराम रट, ओ वृथा सांस मत खो, ना जाने जा सांस का अवन हो ना हो। इसलिए कहना है मानव से बाल अवस्था खेले गवाई और जवानी सोए बिताई, वृद्ध भय माया उपजाई अब जावन की बेला आई। हमारा कोई सा ऐसा शास्त्र नहीं है जो ये कहता है कि आप वृद्ध अवस्था में भजन कीजिए। भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त करा था, भक्त प्रहलाद ने 6 वर्ष की आयु में भगवान नारायण को धरा धाम पे प्रकट कर लिया था। इसलिए मानव को संदेश देते हुए कहना है ओ हुई श्वास कम और ये तन डगमगा, जैसे ये मानव की सांसें कम होती है तन क्षण भर में डगमगाने लगता है। ओ हुई श्वास कम और ये तन डगमगाए और वादा, मानव जनों वादा किया था और वादा कोई भूला याद आया, कोई भूला याद आया, वादा कोई भूला याद आया। और वादा कोई भूला याद आया, वादा कोई भूला याद आया।
प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस माया मोह से दूर कीजिए, मैं संसार में जाकर आपका भजन करूंगा, आपका गुणगान करूंगा। तूने वादा किया था करूंगा भजन, जब अंत समय आता है, श्वास रुकने लगी जब समय पास, और वादा कोई भूला याद आया, कोई भूला याद आया, वादा कोई भूला याद आया, वादा कोई भूला याद आया, वादा कोई भूला भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना है, वंदना है। हेलो, इस धुन के बाद श्री भजन मंडल सुगा खापा बिल्कुल तैयार होकर मंच के करीब आ जाए, और उनके पश्चात श्री श्याम भजन मंडल नगतरा खापा, और उनके बाद श्री माँ वैष्णो भजन मंडल सिंगोली। भगवान भोलेनाथ को आदि अनंत कहा गया है, सारी सृष्टि का संचालन करने वाले प्रभु आपके चरणों में वंदना है। ओम नाम सबसे बड़ा, ए जी जपते रहियो हमें, ओम नाम में रम रहे श्री ब्रह्मा विष्णु महे। अजगर करे न चाकरी, कभी उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, ए जी अजगर करे न चाकरी, ओ पंछी करे न काम, दास मलूखा ये कहे सबके दाता राम। हे प्रभु, हो बरदानी, आप गुणों की खान है भगवान, हो बरदानी हो अंतर्यामी, ओ बिगड़ी मेरी बना दो, ओ बिगड़ी बना दो। ये सरगम आपके चरणों में सोखता हूं, ओ बिगड़ी मेरी बना दो, सरगम मेरी सजा दो, बिगड़ी मेरी बना दो, सरगम मेरी सजा दो, बिगड़ी मेरी बना दो, सरगम मेरी सजा दो। और एक बहुत ही सुंदर कथन आता है कि सर्वप्रथम संगीत की शुरुआत भगवान भोलेनाथ से हुई थी। माँ पार्वती की जिद पर भगवान भोलेनाथ ने प्रथम बार वीणा की ध्वनि को इस संसार में प्रज्वलित किया था। ओ
बिगड़ी मेरी बना दो सरगम मेरी सजा छोटा सा संवाद आपके समक्ष ठीक है पवन भैया कोई दिक्कत बात उस समय की आज भगवान भोलेनाथ की बारात हिमाचल जी के द्वार पहुंच हेलो आज सारी सखियां मिलजुल कर मां गोरा का अद्भुत श्रृंगार करती हैं ओ सारी सखियां करी रही अरे हे सोला सिंगार अरण वर्ण के गहनों से माँ गोरा को सजाती आज माँ गोरा का सोला श्रृंगार करती हैं सारी सखियां मन में हर्षोल्लास से ओ साड़ी पहनाती है काजल लगवाती है ओ मन में हर्षाती है बिंदिया लगवाती है करती करती ओ सखी सोला सिंगार 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 करती साड़ी पहनाती है दो मिनट और जाए ओ माथे पे बिंदिया लगे प्यारी प्यारी झूम के की छवि सारी सखियों के मन भाए ओ हाथों में कंगना उनको सजाए मेहंदी लाल लगाए आपका
समय समाप्त हुआ।